All linear means what? Here you have to consider three points, means three position vectors. Or three position vectors or two vectors. Let position vector A, position vector B, position vector C are collinear. These three points are collinear. तो थ्री पॉइंट्स आप कंसीडर करो, पोजीशन वेक्टर कंसीडर करो, नहीं तो टू वेक्टर्स कंसीडर करो. इफ थ्री पोजीशन वेक्टर्स are collinear, then position vector में A B C ले रहा हूँ, A B C are collinear, then alpha A plus beta B or x, y, z up. Then x into A vector plus y into B vector plus z into C vector is equal to null vector. Where x, y, z belongs to real number and x plus y plus z is equal to 0. इसका मतलब क्या है? कैसे मिला? कोई प्रूव कर पाएगा? पोजीशन वेक्टर मतलब ये तीनों फाइनल पॉइंट, तीन वेक्टर का फाइनल पॉइंट्स. इनिशियल पॉइंट क्या है? ये तीन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है? मैंने पोजीशन वेक्टर ए बी सी रखा, लेट अस टेक ओरिजिन इज हियर. तो दिस वेक्टर होगा आपका ए वेक्टर होगा, ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा, ये आपका वेक्टर सी होगा. करेक्ट? तो अभी मैं बता रहा हूं कि इफ दिस थ्री पॉइंट्स आर पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी आर कोलिनियर, देन आपको ऐसे तीन स्केलर मिल जाएगा, एक्स वाई जेड आर स्केलर, ऐसे तीन एक्स वाई जेड मिल जाएगा, जिसके लिए इसको बोला जाता है लिनियर कॉम्बिनेशन. दिस इज कॉल्ड लिनियर कॉम्बिनेशन. द लिनियर कॉम्बिनेशन बिकेम नॉल वेक्टर एंड सम ऑफ लिनियर्स, सॉरी सम ऑफ स्केलर्स इक्वल टू जीरो. कैन यू प्रूव? इजिली कैन प्रूव. लास्ट टाइम कंसेप्ट डालेंगे तो हम इजिली प्रूव कर पाएंगे. तो बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बी कहीं ना कहीं कुछ रेशियो में तो इसको डिवाइड कर पाएगा. लेट पोजीशन वेक्टर बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एस सी इन रेशियो एम इज टू एन इंटरनली. द
then how to get your position vector b? Position vector b कैसे मिलता है? M into c vector. Plus n into a. Plus n into a vector. Upon m plus a. Correct. इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ. आपको क्या मिलेगा? n into a vector minus m minus n into b vector plus mc vector is equal to null vector. क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने सेपरेट कर दिया. Am I correct? Yes. इसको मैंने x माना, इसको y माना, इसको z माना. What is the x plus y plus z? Zero. Okay. The x a vector plus y b vector plus z c vector is the null vector, where x plus y plus z is the zero. X y z real होगा. कोई आपको ऐसे तीन स्केलर आपको मिल जाएगा. Correct? बेस्ट मेथड और क्या कर सकते हो? और कैसे पता चलेगा कि दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर? कैसे पता चलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो. एरिया किसका एरिया? नहीं अभी नहीं, एरिया ये 2D नहीं है ना, वही मिस्टेक कर रहे हो. इट्स नॉट 2D. हाँ सर, नहीं वेक्टर्स में नहीं. हाँ ये 3D है, 3 डायमेंशन है. और क्या कर सकते हो? एबी वेक्टर, एसी वेक्टर और बीसी वेक्टर क्या रिलेशन होगा? ए बी वेक्टर मानो कि ए सी वेक्टर मानो, ए बी एस सी और बी सी ये तीनों वेक्टर से कोई भी दो वेक्टर उठाओगे वो दोनों क्या होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू एस सी यहाँ से हमें दिखाई देता है. ठीक है, वो भी करेक्ट होगा, पैरेलल होगा. ओके, तो एनी यूजिंग थ्री पॉइंट्स टेक एनी टू वेक्टर and both the vectors will be parallel to each other. ठीक है, that is an alternative, वो भी आप कर सकते हो. ये position vector a b C are collinear then AB vector parallel to AC vector or कोई भी दो आप ले सकते हैं, select any two. Or you can write if two vectors are parallel to each other, then direction कैसे कैसे पता चलता है? मतलब draw करोगे तो parallel पता चलेगा, but कैसे हमें theoretically कैसे पता चलता है? Vectors का ratio का magnitude के बराबर. तो you can write AB is the sum constant into है ना. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू इच अदर एनी वन वेक्टर यू कैन राइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर वेक्टर. लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन. ओके, लीनियरली वो कंबाइंड हो रहा है, इट इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन. दिस वन कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर. समझाइए, ये अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं.
डेटा। डन। नेक्स्ट पॉपलैंड रेट। टू वेक्टर्स आर कोप्लानर और नॉट? Any two vectors are coplanar or not? Yes, sir. क्यों? So because दो lines से हम एक plane define कर सकते हैं। क्या बनता है? कौन सा figure बनता है? मैंने बताया था यूजिंग एनी टू वेक्टर्स यू कैन ड्रॉ वन पैरेललोग्राम। ए वेक्टर को मैंने इधर ड्रॉप करूंगा, ठीक है। सेम वेक्टर ड्रॉ करेंगे इधर, तो आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। तो एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लानर, बट थ्री वेक्टर्स सपोज ऐसे ऊपर की तरफ और एक वेक्टर आया तो इट्स नॉट कोप्लानर। तो एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लानर बट थ्री वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी कोप्लानर। व्हाट आई एम टेलिंग हियर वेक्टर्स, थ्री वेक्टर, ओके। जहां पे मुझे पोजिशन वेक्टर बोलना है मैं पोजिशन वेक्टर बोलूंगा, अदरवाइज इट इज थ्री वेक्टर। एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लानर।
बट थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लानर. सपोज कोप्लानर होगा तो ए वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लानर. Then their linear combination with the null vector. Then x a plus y b plus z c is equal to null vector. Where x y z belongs to real and x plus y plus z is equal to 0. तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? कोलिनियरिटी और कोप्लानर में क्या डिफरेंस है? ये दोनों में क्या डिफरेंस मिला? चेक करो. कुछ तो डिफरेंस है ना? क्या डिफरेंस है? यह थ्री पोजिशन वेक्टर्स यहां पे तीन पॉइंट लिया गया था. इधर थ्री फ्री वेक्टर्स है तो ऐसे तीन वेक्टर कहीं पे होगा. सपोज दिस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर then the linear combination will be null vector and sum of scalars will be 0. अच्छा तो आपका कितने पॉइंट्स चाहिए? मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए टू ड्रॉ थ्री वेक्टर्स थ्री डिफरेंट वेक्टर्स नॉन पैरेलल वेक्टर्स? पैरेलल होगा तो ऑटोमेटिक को कोलिनियर मतलब कोप्लानर होगा ही होगा. नॉन पैरेलल होगा तो क्या होगा? आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए टू ड्रॉ थ्री वेक्टर्स? फोर पॉइंट्स. ओके, यहां पे जो मैंने थ्री आपको फोर पॉइंट्स चाहिए तो एनी थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर एनी थ्री पॉइंट्स आर कोप्लानर क्योंकि आपको ट्रायंगल बनता है. एनी थ्री पॉइंट्स आर कोप्लानर बट फोर पॉइंट्स आपका एक प्लेन में नहीं होगा क्योंकि आप स्पेस में तीन पॉइंट रखोगे कोई भी तीन पॉइंट रखोगे स्पेस में वो तीनों को ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हो? 3D थोड़ा मतलब बताना डिफिकल्ट होता है 2D के ऊपर. तो यहाँ पे मतलब जनरल क्लास में प्रॉपर होता है कोई भी तीन पॉइंट्स. अब स्पेस में सोचो तीन पॉइंट ले रहे हो स्पेस में तीन पॉइंट ले रहे हो वो तीनों को जॉइन करोगे तो ट्रायंगल बनेगी ना. बट स्पेस में मैं कोई भी चार पॉइंट रखूंगा आपको एक ऐसे क्वाड्रेंटल मिलेगा क्या?
मैं इधर तीन पॉइंट रखा तो कोई भी स्पेस के ऊपर तीन स्पेस में तीन पॉइंट रखा तो इसको जॉइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनता है, तो इसका मतलब एक प्लेन बन जाता है। मैं ऊपर इसके ऊपर कहीं पे और यहाँ पे कहीं पे रखता हूँ जो ये प्लेन के ऊपर नहीं है और कहीं पे रखता हूँ फोर्थ पॉइंट, तो कोप्लानर नहीं होगा ना। यू गॉट माई पॉइंट? यहाँ पे तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो प्लेन के ऊपर मैं बता रहा हूँ, तो फोर्थ पॉइंट और कहीं पे होगा, मतलब ये प्लेन के ऊपर नहीं होगा और कहीं पे होगा। तो ना आपको एक फिगर मिल जाएगा, सपोज आपको एक क्वाड्रेंटल मिल रहा है दैट मींस वो एक प्लेन है, बट आपको फिगर नहीं मिलेगा, मतलब क्वाड्रेंटल नहीं मिलेगा, तो इट इज नॉन कोप्लानर। तो फोर पॉइंट्स, यूजिंग फोर पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ थ्री वेक्टर्स, सपोज ए बी सी डी, फोर पॉइंट्स आर देयर, तो ये चारों को पॉइंट ज्वाइन करके आपको तीन वेक्टर्स मिल सकता है, मतलब कोई भी एक आप इनिशियल पॉइंट मान लो, ये एक, ये दो, ये तीन वेक्टर्स होता है, थ्री डिफरेंट वेक्टर्स होता है। बट आप तीन पॉइंट्स रखोगे थ्री डिफरेंट वेक्टर्स आपको नहीं मिलेगा, वो पैरेलल वेक्टर्स मिल जाते हैं। ओके, कोई भी तीन पॉइंट, सपोज नॉट नेसेसरी कोलिनियर, यहाँ पे तीन पॉइंट रखो, तो आपको थ्री वेक्टर्स, आप बोलोगे मैं मुझे ऐसे तीन वेक्टर तो मिला, तीन वेक्टर मिला, बट ये तीनों का वेक्टर क्या हो जाता है, कोप्लानर हो जाता है। नॉन कोप्लानर मतलब आपको स्पेस में चार पॉइंट रखोगे, कोई डिफरेंट पॉइंट रखोगे, तो यहाँ पे ये क्लोज पॉलीगन दे देता है, ठीक है ना, क्लोज पॉलीगन दे देगा, मतलब आपका कोप्लानर हो जाएगा। यहाँ पे ये तीन वेक्टर क्लोज पॉलीगन नहीं दे रहे, तो यहाँ पे ये जरूर नहीं कि हमेशा कोप्लानर होगा। कब कोप्लानर होगा इसके लिए, मैंने ए वेक्टर को ए वेक्टर माना, ये लेट अस टेक बी वेक्टर, दिस वेक्टर सर को सी वेक्टर, इफ दिस थ्री वेक्टर सर कोप्लानर देन दे आर लिनियर कॉम्बिनेशन, इसको बोला जाता है लिनियर कॉम्बिनेशन, दे आर लिनियर कॉम्बिनेशन विल बी नॉन वेक्टर एंड सम ऑफ स्केलर्स विल बी चेंज। इसका अल्टरनेटिव और क्या हो सकता है जो आप फिजिक्स में कर चुके हो और आगे भी करने हैं, मतलब कर सकते हैं, करेंगे आगे भी करेंगे इसको, बट अभी नहीं कर रहे। अल्टरनेटिव क्या करोगे, फिजिक्स में बताए होंगे इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर, सर दो का डॉट प्रोडक्ट इनटू वन का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, दो का डॉट वन का क्रॉस, नहीं सर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, मतलब ये दोनों का क्रॉस, ये दोनों का क्रॉस मतलब क्या होगा, सपोज ए बी का क्रॉस किए, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। यस, अभी इसके साथ वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, अभी सी के साथ भी, तो ये दोनों का डॉट क्या होगा, जीरो, ये दोनों का डॉट जीरो होगा, मतलब उसको बोला जाता है स्केलर, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है, वो हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हम बाद में करेंगे, फिलहाल अभी मैं इसको ऐसे रख देता हूँ क्योंकि आप सोच रहे कि हमारे यू डोंट नो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, अभी तक हम बताए नहीं, तो इसको अल्टरनेटिव में दे देता हूँ। वो मतलब वो ही रिजल्ट से आया है, लेट वेक्टर ए विच इज ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, वेक्टर बी बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, वेक्टर सी C1 I cap plus C2 J cap C3 K cap are coplanar. Then
determinant of a1 a2 a3 p1 p2 p3 c1 c2 c3 This is the best method to check three vectors are coplanar or not. If three vectors are coplanar, then their determinant always zero. Okay. Or you can use xa plus yb plus zc. आपको ऐसे तीन स्केलर मिल जाएगा. If three vectors, if vector a, vector b, vector c are coplanar, आपको ऐसे कहीं पे भी three मतलब थ्री स्केलर्स मिल जाएगा जिसके लिए एक कॉम्बिनेशन आपका नॉर्म वेक्टर होगा एंड सम ऑफ स्केलर जीरो होगा. ये हर स्केलर के लिए नहीं, आपको ऐसे तीन स्केलर आपको मिल जाता है जिसके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, नॉर्म वेक्टर होता है एंड सम ऑफ दिस स्केलर विल बी जीरो. समझा? मतलब एक्स ए प्लस वाई बी का मतलब क्या है? एक्स ए प्लस वाई बी का मतलब क्या है? सपोज लैम्डा वेक्टर इज द एक्स ए प्लस वाई बी, इसका मतलब क्या है? आपको दो वेक्टर दिया गया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. लैम्डा वेक्टर इज द एक्स ए प्लस वाई बी, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या होगा वो भी बता दो. एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर. नहीं नहीं नहीं, फिजिकली क्या होगा? ये जो लैम्डा वेक्टर होगा ना, ये प्लेन के अंदर रहेगा. इसका मतलब यही होता है. ये एक्स ए एंड वाई बी का लीनियर कॉम्बिनेशन में आप क्या बना सकते हो? एक प्लेन बना सकते हो. ए बी वेक्टर का लीनियर मतलब एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर. अब देखो ये सपोज एक्स एंड वाई वन इच, तो आपको क्या बना? ए प्लस बी क्या होता है? दिस इज वेक्टर ए, दिस वन वेक्टर बी. ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? बताया था ना ग्राफिकली ए प्लस बी का मतलब क्या होता है. ए प्लस बी का मतलब क्या होता था? ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ था? बताया था ना. यूजिंग दिस टू वेक्टर्स यू कैन ड्रॉ वन पैरेललोग्राम. यस यस और नो? यस यस. आपको पैरेललोग्राम में कितने वेक्टर्स चाहिए? दो वेक्टर. ये भी वेक्टर होगा तो ये भी वेक्टर होगा. ये ए तो ये है, तो ये कौन सा वेक्टर मिला? ए प्लस बी. ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि अलग चला जाएगा? ये ऊपर कुछ ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा? नहीं नहीं होगा ना. अच्छा, एंड ए माइनस बी मतलब ये एक्स है. एक्स का मतलब क्या है? सपोज मैंने बताया 2a plus 3b कर दिया, 2a plus 3b का मतलब क्या होगा? a वेक्टर डबल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड 2a वेक्टर. ये वेक्टर 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड 3b वेक्टर. ठीक है, तो अगेन यूजिंग दिस टू वेक्टर्स यू कैन ड्रॉ वन पैरेललोग्राम.
तो इसका वन ऑफ द डायगोनल क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b। अभी ये तीनों वेक्टर को प्लेनर होगा कि नहीं होगा? Yes. होगा ना। yes, तो इसलिए एक्स ए प्लस वाई बी का मत एक्स ए प्लस वाई बी और एक वेक्टर आपको देता है ना, एक्स ए प्लस वाई बी एक वेक्टर देता है ना, रिजल्टेंट तो एक वेक्टर होता है ना, ये तीनों वेक्टर हमेशा क्या होता है, कोप्लानर होता है, एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर एंड देयर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑलवेज क्या है, कोप्लानर वेक्टर, एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर एंड एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, एक प्लेन पर रहते हैं, कोप्लानर। तो मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे कर देंगे, तो आप एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर माइनस ऑफ, इसका माइनस भी करेंगे भी होगा कि नहीं होगा, कोप्लानर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, वो भी मतलब इसका नेगेटिव आ जाएगा, वो भी कोप्लानर होगा। तो ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, नॉल वेक्टर दे रहे हैं एंड देयर सम ऑफ स्केलर्स भी जीरो आ जा रहा है। इसलिए एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर एक्स ए एंड वाई बी के साथ कोप्लानर होता है, इसलिए ये फॉर्मेट में उसको लिखा गया कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी द नॉल वेक्टर जब होगा देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होगा। तो ये भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, इफ थ्री वेक्टर्स आर ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया, इसका कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी आप लिख सकते हो, वेक्टर्स लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एनी वेक्टर ऑन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर एंड वेक्टर बी इज, यू कैन राइट लैम्डा ए वेक्टर प्लस, इसको बोला जाता है लीनियरली कंबाइंड हुआ है, इसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर बी, एनी वेक्टर ऑन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर एंड वेक्टर बी वेयर लैम्डा and mu belongs to Binod Nair, कोई है क्या आपके हाउस में? मुझे तो ये नाम पहले बार दिखाई दे रहा है, विनोद नायर। समझाइए, तो आप कोप्लानरिटी के लिए फर्स्ट वन यूज करो कि सेकंड वन यूज करो, बट दिस वन इज द बेस्ट मेथड वन टू चेक थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर और नॉट। ओके, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो टाइम पर डिस्कस करेंगे, और यू कैन यूज दिस मेथड आल्सो।
Done. तो आप एक बार ऊपर तक स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके ओके अच्छा, इसका अल्टरनेटिव बताओ, इफ थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लानर तो क्या होगा? इसका रिवर्स में मुझे बताओ, इफ थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लानर देन क्या होगा? क्या बता सकते हो, इफ थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लानर? वो नॉट इक्वल टू जीरो है। क्या नॉट इक्वल जीरो? डिटरमिनेंट और क्या बता सकते हो? और क्या बता सकते हो इसमें? क्या बता सकते हो? इसमें क्या बता सकते हो? x y z not equal to 0, x plus y plus z not equal to 0, मतलब ये होगा बट ये जीरो नहीं होगा। नहीं सर, ऊपर वाला उल्टा हो। If vectors A, B, C are non-coplanar, then आपको for any scalar x, y, z belongs to dual number for any, then x a vector plus y b vector z c vector is equal to और कोई vector हो जाएगा, where d vector आपका null vector नहीं होना चाहिए। उधर क्या मिला था? null vector मिला था ना, इसमें आपको कभी भी नॉल वेक्टर नहीं मिलेगा। एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज नॉन नॉल वेक्टर फॉर एनी स्केलर्स एक्स वाई जेड, कोई भी अदर ऐसे एक्स वाई तीनों नॉन जीरो स्केलर, ओके, फॉर एनी नॉन जीरो स्केलर्स एक्स वाई जेड। कोई मतलब कोई भी ऐसा तीन स्केलर आपके लिए
आप कोई भी तीन स्केलर ले सकते हो जिसके लिए आपका नॉल वेक्टर ये कभी भी नहीं होगा। और बाय चांस आप इसको नॉल वेक्टर बना रहे हो देन क्या होगा, देन क्या होगा? मैंने बताया कोई भी ऐसे तीन स्केलर आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए आप इसको नॉल वेक्टर बना सकते हो, तो डी वेक्टर जो मिलेगा वो नॉन नॉल वेक्टर मिलेगा। बाई चांस इसको आप नॉल वेक्टर बना रहे हो तो क्या होगा? वेरी गुड, देन एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड लिनियरली डिपेंडेंट, सॉरी लिनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो केस था दिस इज लिनियरली, ये जो मैंने बताया था ये दिस इज कॉल्ड लिनियरली डिपेंडेंट, ये होता है लिनियरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ फोर वेक्टर्स ए बी सी डी, नहीं सॉरी, इफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर नॉन कोप्लानर देयर लिनियर कॉम्बिनेशन नेवर नॉल वेक्टर। इफ देयर लिनियर कॉम्बिनेशन इज द नॉल वेक्टर देन एक ही केस आपके पास रहता है, एक्स वाई जेड तीनों के तीनों जीरो हो जाते हैं। समझ में आया? लिनियरली डिपेंडेंट, लिनियरली इंडिपेंडेंट। लिनियरली डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर लिनियरली डिपेंडेंट होंगे, दो हजार आपका कोलिनियर वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट, कोप्लानर वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट, बट नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। ये किसी को नहीं समझा तो बताओ। इफ थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लानर देन आपको यहाँ पे नॉल वेक्टर मिल जाता है, इसके लिए आपके पास कम से कम तो एक एक्स वाई जेड ऐसा रहता है, एक ट्रिपलेट रहता है, एक्स वाई जेड का एक ट्रिपलेट रहता है जिसके लिए ये नॉल वेक्टर हो जाएगा व्हेनेवर वेक्टर एबीसी आर कोप्लानर। बट नॉन कोप्लानर के लिए ये कभी भी नॉल वेक्टर हो नहीं पाएगा, कोई भी आपको ऐसे ट्रिपलेट नहीं मिलेगा जिसके लिए ये नॉल वेक्टर होगा। बाय चांस इसको आप नॉल वेक्टर बना रहे हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, और कुछ ऑप्शन नहीं होगा। समझाइए। यस नोट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सब फिजिक्स में नहीं होता है। डन। नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर,
इसमें एंगल बाइसेक्टर्स में दो टाइप का एंगल बाइसेक्टर होता है, एक्यूट ऑब्ट्यूस नहीं होता है, इधर होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपके पास मैंने आपको दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दिया, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स गिवन, तो उसका एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालोगे? देन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? कुछ आइडिया है तो बताओ। लेट दिस इज द वेक्टर है दिस वन, मतलब और कहीं पे वेक्टर होगा, ऐसा नहीं कि इधर। ऐसे मैंने दो वेक्टर लिया, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, एक्सटर्नल? एक तो बताओ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या हो सकता है, कुछ ग्राफिकली आइडिया मुझे दे पाओगे तो बताओ कैसे हम इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। ग्राफिकली, ग्राफिकली पहले ये बी वेक्टर को इधर मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ये सर नो पैरेलल करके दिया, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब बताओ इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे। अब तो बताओ, इतना दे दिया हिंट, हिंट भी दे दिया मैंने, ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर बी, मुझे इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए। कैसे मिलेगा? अच्छा, इसको ज्वाइन करने से होता है, इसको ज्वाइन करने से एंगल बाइसेक्टर होगा? नहीं, नहीं सर, डायगोनल नहीं, नहीं होता है ना, नहीं डायगोनल। कौन सा केस में होता है, कौन सा केस में होता है?
रेक्टेंगल में होता है? नहीं स्क्वायर नहीं, स्क्वायर में होगा, नहीं तो रोम्बस में भी, रोम्बस में होगा, जहां पे साइड्स आर इक्वल होता है तब होता है, अनइक्वल साइड पे नहीं होता है, रेक्टेंगल में अनइक्वल साइड रहता है इसलिए नहीं होता है, स्क्वायर रोम्बस में होता है, ठीक है ना। अच्छा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको रोम्बस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक कैप का मतलब क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग है जिसका मैग्नीट्यूड वन, करेक्ट। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड वन ले लेता हूं, वन यूनिट डिस्टेंस, तो ये एक कैप हो जाएगा, इसके ऊपर वन यूनिट डिस्टेंस ले लेता हूं, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, बी कैप। अब मैं ये कौन सा फिगर होगा, रोम्बस, अब इसको जॉइन करेंगे तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, तो इसको एक्सटेंड कर देंगे तो मतलब वही एंगल बाइसेक्टर रहेगा ना। अच्छा ए वेक्टर को क्या बोलेंगे, ए वेक्टर को क्या बोलेंगे, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप, ये टोटल वेक्टर को क्या बोलेंगे, ए वेक्टर को क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड वाला कुछ भी कांस्टेंट इनटू ए कैप, यस सम कांस्टेंट इनटू ए कैप प्लस बी कैप, समझा? Yes. तो ये उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन देयर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, is some constant into a cap plus b cap, where lambda belongs to any real number other than zero, nahi milna chahiye. External angle bisector kya hoga? Lambda into a cap minus b cap. लैम्डा मत रखो, ए कैप माइनस, इज दैट क्लियर? बी कैप माइनस बी कैप मतलब क्या है, ए साइड में होगा ना, ये बी कैप, ये वेक्टर बी कैप, तो ये क्या होगा, माइनस बी कैप। तो अभी ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना, यहाँ पे जो आपका रंबस बनेगी और उसका बाइसेक्टर, ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, समझ में आया? यस। ये सब वेक्टर विजुअलाइज करना बहुत इजी रहता है, आसान होता है। बट बिकॉज ऑफ 3D थोड़ा मतलब स्पेस में आपको देखना पड़ता है ये, लेकिन ये तो 2D हो गया, कोप्लानर मतलब ये था, एक प्लेन के ऊपर कर रहे तो ये 2D था, 2D रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक प्लेन पे 2D means does not mean स्पेस, बट एक प्लेन पे है, ठीक है ना। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है सम कांस्टेंट इनटू ए कैप प्लस बी कैप, एक्सटर्नल होता है सम अनदर मतलब और कोई कंस्टेंट, नॉट नेसेसरी इक्वल भी हो सकता है, इसलिए मैंने और एक मेंशन किया अल्फा इनटू
ए कैप माइनस बी कैप, उल्टा कर सकते हो, माइनस ए कैप प्लस बी कैप भी कर सकते हो, वो ही कांस्टेंट उसको ऑब्जर्व करेगा। डन? यस। Solve this question.
डन। थर्ड वन किसका रिजल्ट नहीं आया? और कोई कुछ बताएगा? पी वेक्टर सर हैव देयर इनिशियल पॉइंट 1,1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स टर्मिनेट ऑन वन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है? जब इनिशियल पॉइंट 1,1 एंड वेक्टर इज द 2i+3j, फाइनल पॉइंट क्या होगा? थ्री आई प्लस फोर जे। इससे तीन पॉइंट आपका क्या हुआ है? सबका इनिशियल पॉइंट 1,1, वेक्टर्स गिवन लाइक दैट। तो दिस इज ABCAD, ये आपका 2i+3j, ये आपका 5i+6j, ये 2D हो गया और ये 11i+λj। इसका 1,1, ये 1,1 होगा तो ये क्या होगा? 3,4 होगा, क्योंकि वेक्टर इधर 2i+3j। वेक्टर ऑलवेज क्या होता है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो सिर्फ एक एक इंक्रीज कर जाएगा, ये होगा आपका 6,7, ये क्या होगा? 12,λ+1। मैं करेक्ट? यस। तो लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, तो ये सीधा तो दिखाई दे रहा है। As these three points lies on a straight line, तो ये ऑलरेडी 2D है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा मुझे बताओ? सिंपल, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y = x + 1। क्योंकि x और y के बीच में 1 का डिफरेंस दे रहा है, तो ये दो पॉइंट को जॉइन करके जो मैं लाइन बनाऊंगा, दैट इक्वेशन विल बी y = x + 1, और ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये 12 होगा, तो ये 13 होगा। तो लैम्डा वैल्यू 12 हो जाएगा। ओके, अदरवाइज आप कोलिनियरिटी कंडीशन डाल सकते हो, बिकॉज ऑफ 2D आप कर सकते हो determinant = 0। नहीं तो ये वेक्टर, ए वेक्टर क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, वो भी कर सकते हो। कोलिनियरिटी कंडीशन लगा सकते हो 3D के हिसाब से, 2D के हिसाब से भी लगा सकते हो, बिकॉज ये 2D दिया गया, तो डिटर्मिनेंट 0 भी बना सकते हो। मेडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC बाइसेक्ट एट पॉइंट ई बी, इफ बी मीट्स AC एट F,
एफ वेक्टर इज टू एस सी वेक्टर, मीडियन एडी बाइसेक्ट एट ई, ये एफ करेक्ट है। मुझे ए एफ इज टू एस सी चाहिए। Clearly, F vector, AC vector, both are parallel vectors. So, in division, इसका ratio possible होगा। तो आप चाहो तो coordinate use कर सकते हो। मैं vector use कर रहा हूँ। तो कोई एक to make easy, तो एक position vector को मैं origin मान रहा हूँ। Let us take इसको मैं, आप A को ले सकते हो, B को ले सकते हो, C को भी ले सकते हो। Position vector मैंने जीरो रखा, इसका पोजीशन वेक्टर को मैंने बी वेक्टर माना, पोजीशन वेक्टर को मैंने सी माना। तो डी वेक्टर क्या होगा, सॉरी इसका पोजीशन क्या होगा, बी प्लस सी बाय टू, बी प्लस सी बाय टू। तो ई का पोजीशन क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाय फोर, बी प्लस सी बाय B plus C by 4, no? Vector wise. Let position vector F divides this position, divides SC in ratio lambda is to 1. F ka position kya hoga? Lambda C upon lambda plus 1. 1 into C plus lambda into 0. C upon lambda plus 1. Correct. Let E divides in ratio 1 is to K. देखो मैंने जो सिलेक्ट कर, आप K is to 1 भी रख सकते हो, but मैं जो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना उसके अगेंस्ट में वन रख रहा हूँ। इसमें मैंने लामडा इंटू वन नहीं रखा, उल्टा कर दिया ताकि लामडा इंटू जीरो हो जाएगा तो मुझे थोड़ा फायदा मिलेगा। आप इसको उल्टा करोगे, लामडा इंटू वन करोगे, आपको क्या मिलेगा, लामडा सी प्लस नॉल वेक्टर अपन लामडा प्लस वन, तो लामडा इधर आता है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसे चूज कर रहा हूँ। वन लामडा के वन जो ले रहा हूँ ना, तो अपोजिट देख के ले रहा हूँ। तो ई का पोजीशन क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई इसके हिसाब से के बी प्लस सी लैम्डा, सी बाय लैम्डा प्लस सी इनटू, सॉरी सी अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस के इनटू डिवाइडेड बाय बी वेक्टर अपॉन के प्लस के प्लस। अच्छा एक्चुअली दिस वन सेम एज व्हाट, ये पोजीशन ऑलरेडी क्या है मेरे पास, बी प्लस सी बाय 4 है ना। ई का तो पोजीशन मैं निकल चुका हूँ ना एडी के हिसाब से, तो ई का पोजीशन मेरे पास बी प्लस सी बाई फोर ऑलरेडी था, तो बी एफ के हिसाब से जब मैं निकाल रहा हूँ मुझे ये मिलता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों इक्वेट कर सकता हूँ। दैट इंप्लाइज वेक्टर सी अपॉन के प्लस वन इंटू लैम्डा प्लस वन प्लस के बी वेक्टर अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू बी बी प्लस सी बाय फोर। इसका मतलब क्या है, के बाय के प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय फोर। आपका के बाय के प्लस वन सीधा सीधा बी बी वेक्टर के साथ इक्वेट होगा। दैट इंप्लाइज के अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू 1 by 4 and
वन अपॉन ए प्लस वन इंटू लैम्डा प्लस वन ऑल्सो वन बाय फोर, हमें करेक्ट? यस। अच्छा ये सीधा सीधा क्यों ऐसे ये होता है, कंपेयर क्या क्यों होता है बता पाओगे? वेक्टर पैरेलल नहीं है ना दोनों, इसमें कौन सा वेक्टर पैरेलल नहीं है? बी और सी पैरेलल नहीं है ना। यस, तो मैं इसको वन साइड भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, k अपॉन k प्लस वन माइनस वन बाय फोर इंटू बी वेक्टर है ना, प्लस वन अपॉन k प्लस वन इंटू लैम्डा प्लस वन माइनस वन अपॉन फोर इंटू सी वेक्टर, यही होता है ना, इज इक्वल टू क्या मिला, नॉल वेक्टर मिला। ये b वेक्टर c वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन आपको नॉन वेक्टर मिल रहा है, बट वेक्टर बी वेक्टर सी नॉन को लीनियर वेक्टर, तो क्या होगा? एक कंडीशन दे दिया ना, लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, बी वेक्टर सी वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट होगा और आपको नॉन वेक्टर दे रहा है, दोनों स्केलर जीरो हो जाना चाहिए। यस। तो यही कंडीशन के वजह से ये जीरो मतलब ये होता है, ठीक है, ये सीधा सीधा जीरो होगा, देन के अपॉन के प्लस वन इक्वल टू वन बाय फोर, ये भी वन बाय फोर, कोलिनियर होता तो नहीं होता। तो k का वैल्यू क्या मिला, 1/3। अभी इसमें डाल दो, अब मुझे लैम्डा वैल्यू चाहिए, लैम्डा इक्वल टू 2, ये 4/3, 3 लैम्डा इक्वल टू 2, 1/2 होगा, तो ये क्या होगा, 1:2 रेशियो में डिवाइड किया। यस। तो f 1:ratio ac क्या हो जाएगा, 3:ratio होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम, सिर्फ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा, तो 3:1, 1:3 इज द करेक्ट आंसर। समझा कैसे हो रहा है? यस। थर्ड वन, और किसी को कुछ मिला? थर्ड वन और किसी को कुछ मिला? आई थिंक दिस इज करेक्ट। एबीसी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर सो दैट नो टू आर कोलिनियर, इसका मतलब क्या है, तीनों वेक्टर्स क्या है, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, ओके, और नो टू आर कोलिनियर। If a plus 2b is linear collinear with c, a plus 2b is collinear with c, इसका मतलब क्या है, क्या लिख पाएंगे? When a plus 2b is equal to is collinear with c, इसका मतलब क्या क्या लिखेंगे? कैसे एक्सप्रेस करेंगे? a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस माइनस 3c वेक्टर इक्वल टू 0, a प्लस 2b वेक्टर यू कैन राइट लैम्डा इनटू c वेक्टर, कोलिनियर ना, दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो एनी वन वेक्टर यू कैन राइट, एक दूसरे के पैरेलल होगा ना, कोलिनियर होगा, तो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर मतलब क्या होगा, पैरेलल होता है, तो यू कैन राइट a प्लस 2b इक्वल टू लैम्डा c, करेक्ट ना, एंड 2b प्लस 3c इज द कोलिनियर विथ a,
बताओ क्या लिखोगे? v plus 3 c is alpha is equal to alpha into a vector, then a plus 2b plus 3c का मैग्नीट्यूड पूछा है, फर्स्ट फाइंड आउट a plus 2b plus 3c. a plus 2b के जगह मैं लैम्डा c लिख सकता हूँ? यस यस. प्लस 3c, इसका मतलब लैम्डा प्लस 3 इनटू c वेक्टर. सेम a plus 2b plus 3c, इफ आई यूज सेकंड वन, 2b plus 3c के जगह मैं अल्फा ही लिख सकता हूँ? यस, 1 plus अल्फा. तो 1 plus अल्फा इनटू a वेक्टर, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए. तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा? लैम्डा प्लस 3 इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू ए वेक्टर. इसका मतलब क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू माइनस के अल्फा इक्वल टू माइनस वन. ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएगा. सपोज ये नॉन जीरो होगा, इफ लैम्डा प्लस 3 नॉन जीरो, तो आप डिवाइड कर सकते हो. डिवाइड करोगे तो वन वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, मतलब सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर वेक्टर. तो क्या होगा? एक दूसरे का पैरेलल होगा. ठीक है, बट ये क्वेश्चन दिया गया नॉन पैरेलल वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो क्या होना चाहिए? ये दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा. मैंने बताया था मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट, बट वेक्टर ए वेक्टर सी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट. एल आई मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट, एल टी मतलब लिनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? सबके सब स्केलर जीरो हो जाना चाहिए. दैट इंप्लाइज लैम्डा प्लस 3 जीरो होगा, 1 प्लस अल्फा भी जीरो होगा. तभी ये क्या क्या मिलेगा? तो a प्लस 2b प्लस 3c वेक्टर क्या हो गया? नल वेक्टर हो गया. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो. दैट इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस 2b प्लस 3c. समझा? Solve this.
ओके सेकंड वन अच्छा इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे रिवर्स करेंगे एंगल वाइज शिफ्ट नहीं होगा क्या इंटरनल पूछा ना हाँ इंटरनल ना ये थोड़ी एक्सटर्नल होता है मतलब ए लाइन को आप इंटरनल एंगल वाइज शिफ्ट नहीं बोलोगे बोल सकते ये एक्सटर्नल एंगल वाइज शिफ्ट नहीं इंटरनल हाँ इंटरनल ना तो प्लस माइनस क्यों नहीं रहेगा तो वेक्टर का मैंने डायरेक्शन सपोज ये पॉजिटिव में जा रहा है उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव होगा तो वाई सेक्टर तो एक ही है ना यस तो प्लस माइनस आंसर रहेगा ही रहेगा तो दिस इज नॉट करेक्ट These are not correct. ताकि ये चेक करते हैं। I think correct one. Then determine vector C along the internal angle bisector of A and B so that A. तो इसका internal angle bisector क्या होगा? Constant into A cap plus B cap. Some constant into A cap plus B cap. ये आपका vector C होगा। Which is lambda times of a cap मतलब 7i minus 4j minus 4k upon 49 16 16 9 ना plus b cap मतलब minus 2i माइनस जे प्लस टू के अपॉन थ्री लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय नाइन ये सेवन ये माइनस सिक्स आए माइनस फोर जे माइनस थ्री जे माइनस सेवन जे माइनस फोर के प्लस सिक्स के और इसका जो मैग्नीट्यूड दिया गया It is given 5 root 6 5 root 6. That implies mod lambda. Magnitude रखेंगे तो lambda you don't know. तो mod lambda upon 9 और इसका magnitude कितना 54 root 54 root 54 मतलब 3 root 6 is equal to 5 root 6. तो रूट सिक्स कैंसल लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया मॉड लैम्डा इक्वल टू 15 और लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 15 तो दिस इज द करेक्ट आंसर 15 प्लस माइनस 15 बाय 9 तो 5 बाय 3 प्लस माइनस 5 सेकंड वन Find a unit vector C if minus I plus J minus K bisect the angle between C vector and 3I plus 4J vector. ये निकालना है
ये आपका माइनस आई प्लस जे माइनस के बाइसेक द एंगल बिटवीन ये, इसका मतलब क्या होगा? इसको मैं दे रहा हूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेक्टर ले रहा हूं ठीक है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर। कैसे निकालोगे? आपके पास कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, ये कंडीशन आपके पास है। और क्या है? लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? अपॉन फाइव हो जाएगा। तो ए कैप, ए कैप प्लस बी कैप, मतलब सॉरी मतलब ये दोनों का कैप क्या होगा? थ्री आई प्लस फोर जे अपॉन फाइव प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जेड के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ ये लैम्डा इनटू लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस आई प्लस जे माइनस के। तो लैम्डा लेफ्ट में आएगा। हाँ ठीक है, सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? उसको सी लिख लो, फिर बाकी सब वो साइड लेके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसको सी लिख लेंगे सेक्स, हाँ वो बेटर है। ओके तो फिर क्या करेंगे? तो फिर वो जो 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5 उसको आप दूसरे साइड ले जाओगे, राइट साइड लेके। लैम्डा आपने इस साइड नहीं रखना है? हां लैम्डा बराबर इसका लैम्डा टाइम्स होता है ना? नहीं करेक्ट है, लैम्डा लेफ्ट में आता है, ठीक है वो कांस्टेंट ही है। माइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी एंड दिस वन तो उसका रेसिप्रोकल होगा, वो भी कांस्टेंट होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, आप कौन से साइड में रखो। अच्छा वो क्या बोल रहे हैं, इससे आप इसको ए साइड में रखो, इसको ए साइड में रखो, चलेगा? नहीं तो ऐसे कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 by 5 plus x is equal to minus lambda, then 4 by 5 plus y is equal to plus lambda, correct ना? Yes. And z by no z z is equal to minus lambda. तो इसमें x square plus y square plus z square, मुझे lambda value निकालना है ठीक है ना? तो ये तो लामडा हो गया, तो अभी डाल दो ना, एक्स के जगह क्या हो गया? माइनस लामडा माइनस थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई के जगह लामडा माइनस फोर बाई फाइव स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब लामडा स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो लामडा स्क्वायर लामडा स्क्वायर लामडा स्क्वायर थ्री लामडा स्क्वायर करेक्ट, टू ए बी में क्या आ जाएगा? 6 by 5 lambda,
ये आपका माइनस 8/5 कितना हुआ, माइनस 2/5 लैम्डा, करेक्ट। ये प्लस 6, ये माइनस 8, माइनस 2/लैम्डा। स्क्वायर स्क्वायर में कितना आएगा, 9/25, 16/25 मतलब 1 कैंसल, बराबर। तो आपका लैम्डा का वैल्यू क्या मिला, जीरो मिला, एक लैम्डा मिला 2/15। जीरो ले पाएंगे क्या, नहीं रख नहीं पाएंगे, जीरो तो रख नहीं पाएंगे, तो 2/15 लेना पड़ेगा। टल दो 2/15, मुझे क्या चाहिए था, xyz फाइंड द यूनिट वेक्टर। सी टू बाई फिफ्टीन माइनस टू बाई, तो x क्या होगा, माइनस 2/15 माइनस 3/5 मतलब 9/15, करेक्ट। यस। वाई का वैल्यू 2/15 माइनस 12/15 माइनस 10/15। जेड वैल्यू 2/15, करेक्ट। तो ये वेक्टर होगा -2 -2, बाकी बराबर ना, ये हो गया -2 -9 -11, ये +2 -12 -10, करेक्ट। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर 1/15 रख सकते हो और -1/15 रखो, आपको मिलेगा 11 है, 10 जे इसने तो आंसर दिया था, ये किसका आंसर था, हमारा कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ ना, किसको मिला था ये सेकंड वन, अमन आपको कैसे मिला, अमन रंजन ठीक है, ये यूनिट वेक्टर दे रहा है ना, चेक करो 11 स्क्वायर 121, यूनिट वेक्टर, यस सर यूनिट, हां ठीक। समझाइए कैसे हुआ, यस चलो बाय सर, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, thank you so much, bye.